गांव से बड़ा निनाना गांव है, बड़ा भाई मानता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब निनाना में स्कूल की बात आई तो गांव के बुजुर्ग उनका पहले स्कूल हमारे छोटे भाई के पास होना चाहिए, फरवाना के पास, हमें नहीं चाहिए स्कूल। इसलिए फिर स्कूल यहाँ, तो तब इसी गांव का लोग शिक्षा मंत्री बने, प्रोफेसर महासिंह नेहरा। उसने शादी की है मंजीत नेहरा, जो मोटरसाइकिल पर 1 रुपये में शादी करके आया है, उसको भी आज हमने सम्मान दिया है। उन बेटियों को भी सम्मानित किया है जो छोटी छोटी बच्चियाँ 5वीं 6वीं 7वीं 4वीं 3वीं में टॉपर रही है पढ़ाई में, जो जाते हैं फरवाना, अजायब, बैसी और भरान, 4-5 गांव इस गांव के पाठ कहलाते हैं। उन लोगों को चाहते हैं गांव का विकास करने का काम बुजुर्ग संभालें, और गांव के बुजुर्ग चाहते हैं गांव का विकास का काम नौजवान संभालें। अभी तक हमारा यही फैसला ना हो पाया है कि गांव का विकास का नौजवान संभाले या बुजुर्ग संभाले, इसलिए गांव थोड़ा पीछे रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन मीडिया और मैं हूं कल्पना चोपड़ा। आज हम पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाणा में, जहां पर नगर निंदाणा गौरव अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पहुंचे हैं जगदीश चौधरी जी, करेंगे उनसे कुछ पल साझा। जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार, प्लीज़। जगदीश जी, नगर निंदाणा गौरव अवार्ड क्या है और ये किसे दिया जाता है? निंदाणा गांव अपने आप में ऐतिहासिक गांव हैं, और भारतवर्ष में हर जगह एक ऐसी विलक्षणता है कि जो वहां से उपजती है संतान, वो कहीं ना कहीं हर दिशा में बेहतर काम करती है। और निंदाणा गांव जो कि हमारे रोहतक ज़िले में है, इसकी जितनी सामाजिक जीवन की दिशाएं हो सकती हैं, वो युद्ध कौशल की बात हो, वो शिक्षा की बात हो, समाज सेवा की बात हो, जो सभी दिशाओं में गांव के लोगों ने जिन्होंने श्रेष्ठ काम किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की और हमारा सम्मान बढ़ाया, उन सब लोगों को सम्मानित करने का जो क्रम में आज से लगभग 20 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई, तो ये निंदाणा गौरव सम्मान या अवार्ड जिसको हमने कहा, तो ये आज भी वही अवसर था जो हर साल 5 मई को हम लोग मनाते हैं। आज किन किन लोगों को सम्मानित किया गया? आज के सम्मान समारोह में लगभग 108 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे निंदाणा गांव की वो सारी बच्चियां जिन्होंने अपने प्राइमरी से लेके और जो स्कूल एजुकेशन है उन सभी में अपने अपने पोजीशंस गांव के स्तर पर लेकर आए ताकि वहां से वो शुरुआत हो। उसके अलावा जिन लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर, जिसमें हमारे साथी सुरेश राठी जी भी हैं, उन सब के एक एक नाम और व्यवस्था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम हमारे सुरेश राठी जी ने देखा, तो उस दिशा में उन सबके नाम भाई साहब बताएंगे प्लीज। हम मुलाकात करेंगे नगर निंदाणा गौरव पीठ के संयोजक एवं हरियाणा युवा शक्ति के अध्यक्ष सुरेश राठी जी से। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी, आज के आयोजन के बारे में बताएं। आज हम 5 मई को नगर निंदाणा गौरव दिवस के रूप में मनाया है, और ये हम पिछले कई सालों से मना रहे हैं इसको गौरव दिवस के रूप में। नगर निंदाणा गौरव पीठ का गठन किया गया है, उस पीठ से हम इसका आयोजन करते हैं। सुरेश जी, आज किन किन लोगों को सम्मानित किया गया? आज हमने लगभग पढ़ाई के बच्चों से लेकर हर प्रतिभा के क्षेत्र में करके 108 लोगों को सम्मानित किया है। बच्चों को, युवाओं को, अधिकारियों को, हर क्षेत्र के लोगों को हमने सम्मानित किया है। 108 में आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं सम्मानित होने वालों में। 108 जो हमने सम्मानित किए हैं, उनमें आज की हमारी ये प्रियंका भी चोपड़ा, जो एक बाल पत्रकार है बहुत गजब की, उसको भी हमने सम्मानित किया है। हमारे और भी पत्रकार भाइयों को हमने आज सम्मानित किया है। हमने आज उन बेटियों को भी सम्मानित किया है जो हमारी दिल्ली की एडिशनल सेशन जज बनी है, अंबिका सिंह, दीपिका सिंह ज्यूटिशियल मजिस्ट्रेट, और राजस्थान में हमारे दीपक भारद्वाज जज बने हैं, उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। हमारी सुनीता ग्रोवर को भी आज हमने सम्मानित किया है। हमने हमारे DSP विजय नेहरा को भी आज सम्मानित किया है। पुलिस इंस्पेक्टर हमारे सुल्तान सिंह को भी आज हमने, जो बैसी गांव से इंस्पेक्टर बने हैं, उनको भी किया है। सतीश जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर बने, उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। हमारी बेटियां जो
तहसीलदार बनी हैं, जुडिशियल में आई हैं और खेल के क्षेत्र में और भी ऑफिसर, वो गुंजन नेहरा उसको भी हमने सम्मानित किया है, डॉक्टर किरसन को भी हमने CMO है उनको भी सम्मानित किया है। आज हमने गांव के IAS, IPS, जुडिशियल, डॉक्टर, समाज सेवी, खेल के मैदान में साहसिक, जिन्होंने बिना दहेज के शादी की है, मंजीत नेहरा जो मोटरसाइकिल पे 1 रुपये में शादी करके आया है उसको भी आज हमने सम्मान दिया है। उन बेटियों को भी सम्मानित किया है जो छोटी छोटी बच्चियाँ 5वीं, 6वीं, 7वीं, 4वीं, 3वीं में टॉपर रही हैं पढ़ाई में, जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उन बेटों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने टॉप किया है। हमारे सौभाग्य है हमारे गांव की बेटियां और बेटे इनमें इन क्लासों में भी स्टेट में टॉपर रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। आज के सम्मानित समारोह में हम जो नगर निनाणा गांव बोलते हैं निनाणा को, इसके अंदर कुछ गांव जुड़ जाते हैं, फरवाना, अजायब, बैसी और भराण, 4-5 गांव इस गांव के पार्ट कहलाते हैं, उन लोगों को भी हम सम्मानित करते हैं। हमारी बधाई दी है दीपिका जी को भी हमने आज सम्मानित किया है, अंबिका जी को भी किया है जो एडिशनल सेशन जज बनी हैं। और इसके अलावा आज हमारे गांव से जुड़े लोगों ने बधाई दी है इस समारोह में, हमारे पुलिस कमिश्नर रहे जिले सिंह सिंगल जी, उन्होंने भी सबको बधाई दी है कि आज इन अच्छी खुशी की बात है। और हमारे बीच में हमारे गांव के ही नाती जो बहुत बड़े CBI के जज हैं जिनका नाम है राजेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने भी ऑनलाइन संदेश दिया है, जो दिल्ली में CBI के जज हैं जिन्होंने धरती पर सो के इस आम जीवन से और बहुत प्रमुखता से देश में नाम कमाया है, वो इस गांव के नाती हैं और आज हमने उसको भी सम्मानित किया है, जो जो हमारी हर देई बेटी गांव की, जिसके बहादुर बेटे ने कारगिल युद्ध में शहीद हुआ, इसी धरती पर पड़ा, इसी धरती पर पड़ा और जो शहीद हो गया देश के लिए, आज उनके भाई रामफल जी को हमने वो अवार्ड दे के उसको सम्मान दिया है। शहीदों को भी सम्मान दिया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मान, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता संजय पहलवान, हमारे पवन राठी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल के सिखाते हैं, यहाँ के कोच मंजीत कोच, कालू कोच, यहाँ के पुलिस के जवान, हमारे रोहता सोनी जो पुलिस में रह के भी बच्चों को पढ़ाने का, खिलाने का, संस्कार का काम करते हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। हमारे पुलिस के जवान रविंदर, वो राजेश राठी, अनिल, पुलिस के जो खिलाड़ी भी हैं मेडल लिए हैं, हमने एक उस बेटी को भी, क्या थी ये बेटी अपनी, निर्मला नेहरा जो फूड सप्लाई में काम करती है और खिलाड़ी भी है, दोनों मेडल जीते हैं बहुत सारे, उसको भी हमने सम्मानित किया है। इसके अलावा हमारे गांव के, चाहे किसानों की सेवा की है, मार्केट कमेटी के चेयरमैन के रूप में राम निवास रोहिल्ला, डॉक्टर राम प्रसाद जी, डॉक्टर गुंजन नेहरा, ऐसे डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS हैं, सबको आज हमने सम्मानित किया है, 108 लोगों को, नाम लेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी आज इसी गांव में और इसी जगह पर जन्म लिया है जहां पर हम ये सम्मान समारोह कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री को भी आज अवार्ड दिया है, ये अवार्ड गांव की तरफ से दिया गया है और उनकी शुभकामना की है भविष्य आगे बढ़ने की, और उनको ये अवार्ड हम गांव की तरफ से राम निवास रोहिल्ला जी और साथियों ने अवार्ड लिया है उनको सौंपेंगे, और हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका उज्ज्वल भविष्य हो मुख्यमंत्री जी को। और हमारे गांव से जो DGP, ADGP बड़ी बड़ी पोस्टों में गए उन सब की हम आपको शुभकामना आगे बढ़ने को बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। गांव से बड़ा निनाणा गांव है, बड़ा भाई मानता है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब निनाणा में स्कूल की बात आई तो गाँव के बुजुर्गों का पहले स्कूल हमारे छोटे भाई के पास होना चाहिए, फरवाना के पास, हमें नहीं चाहिए स्कूल, इसलिए फिर स्कूल यहाँ, तो तब इसी गांव का लोग शिक्षा मंत्री बने प्रोफेसर महासिंह नेहरा, उसने इस गांव में हाई स्कूल बनवाया।
आज इस गांव में लड़कियों का हाई स्कूल भी है, लड़कों का प्लस टू का स्कूल है, लड़कियों का प्लस टू का है, और कई आईटीआई भी हैं, कई बच्चों के प्राइमरी स्कूल भी हैं। गांव में खेलों में हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अफसर बन रहे हैं। गांव के विकास की तरफ भी मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी रुचि ले रहे हैं। जहाँ तक कमी रही है, कहीं हमारे गाँव के लोगों की कमी रही है जो हम पूरा सही फ़ायदा नहीं उठा के गाँव का विकास नहीं कर पाए। गांव के विकास कार्यों में युवा भाग क्यों नहीं दे रहे हैं? युवाओं को सबसे बड़ी चिंता ये है, युवा चाहते हैं गांव का विकास करने का काम बुज़ुर्ग संभालें, और गांव के बुज़ुर्ग चाहते हैं गांव का विकास का काम नौजवान संभालें। अभी तक हमारा यही फैसला ना हो पाया है कि गांव का विकास का नौजवान संभालें या बुज़ुर्ग संभालें, इसलिए गाँव थोड़ा पीछे रह गया। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, ये गांव बहादुर गांव है, वीर गांव है, वीरों का गांव है। यहां से नगर निंदाणा से आज भी इस गांव से जुड़े कई लोग राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं, कई विधानसभाओं में हैं, और कई लोग ऊंचे पदों पर भी हैं। इस गांव का नाती आज भी हमारा धर्मवीर जी लोकसभा में है, पीछे भी वहाँ इस गाँव में आया। बहुत सारे हमारे लोग हैं मध्य प्रदेश से भी, एक हमारा चुनकी लोकसभा में है, राज्यसभा में भी हैं हमारे लोग, हमारे बंगाल से भी चुनकी राज्यसभा में हैं। क्योंकि हमारे जो ये गांव था, सेठों का बड़ा रहा इस गांव पर, और यहां के सेठ कोई बंगाल में गया, कोई महाराष्ट्र में गया, कोई कहीं गया, और वहां भी उन्होंने जाके अपनी पहचान बनाई है। इस गाँव का बहुत बड़ा नाम रहा है, इतिहास के गए भी हैं। बलवंत राय तायल भी मंत्री बने इस गांव का, प्रोफेसर महासिंह नेहरा भी बने शिक्षा मंत्री, और भी कई बने हैं। और वर्तमान में आज भी इसी गांव की मिट्टी में, जहां हम ये जन्म दिवस मना रहे हैं गोरोजूस गांव का, उसके बिल्कुल साथ में इसी जगह पे उसका जन्म हुआ है, मनोहर लाल खट्टर जी। उसके दादा पाकिस्तान से आए, यहाँ बसाए। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, जिस जगह पर मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ, उस जगह पर एक और महान हस्ती का भी पहले जन्म हो लिया, उसी जगह पर। वो एक ब्राह्मणों की जगह थी, और ब्राह्मणों ने दान दी थी, अकीन को दे दो, और उस किस ब्राह्मण ने दान दी थी, उनके परिवार में भी एक संत पैदा हुआ, पूरी दुनिया में तहलका मचाया, जिसका नाम था आचार्य सुशील मुनि जैन, और जैन धर्म का प्रमुख बनाया। और जैन धर्म के प्रमुख बन के थे, ब्राह्मण कौशिक परिवार था वो, लेकिन जैन धर्म के प्रमुख बने। उन परिवार को मैंने बुला रखा था, आज नहीं आ पाए किसी कारणवंश। उन्हीं के घर का एक प्रिंसिपल होता था गुड़गांव में, महेंद्र प्रताप कौशिक, 83-84 में राज्यसभा का मेंबर भी बना महेंद्र प्रताप कौशिक, इस गांव में भी आया, वो भी मत्था टेकने आया, मेरे गाँव हमारी पूर्वजों की धरती है। तो यहाँ से बहुत लोग राजनीति में भी गए हैं। आज वर्तमान में हमारा नाम छाया हुआ है तो हरियाणा में, हमारे गांव की धरती में जन्म लेने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसके बिल्कुल जन्म स्थल से हमने जन्म दिवस मनाया, उनका यहाँ गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 मई की बहुत सारी खुश सुखद घटनाएं इस गांव से जुड़ी हैं। 5 मई से कई खुशखबरियाँ हैं इस गाँव के लिए, और उन उसी 5 मई को मनोहर लाल का जन्म हुआ, वो आज गाँव में उसी जगह हम गौरव दिवस से के रूप में पिछले 20 वर्षों से मना रहे हैं। आप देखते हैं वहाँ भी मनाते हैं बड़े स्कूल में, यहाँ भी मनाते हैं, तो पूरे धूमधाम से, और हर बार हम बहुत लोगों को सम्मानित करते हैं। गांव में इतनी प्रतिभाएं हैं, और जो सम्मानित करे वो लोग तरक्की कर रहे हैं, जो DGP बन। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाणा के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नगर निंदाणा गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने और अपना परचम लहराने वाली महान विभूतियों को अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद के सदस्य और महान शिक्षाविद जगदीश चौधरी ने नगर निंदाणा अवार्ड देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि नगर निंदाणा हर साल 5 मई को निंदाणा गौरव अवार्ड सम्मान समारोह मनाया जाता है, और इसमें संयोग की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व हरियाणा गौरव पीठ के संयोजक युवा शक्ति के अध्यक्ष सुरेश राठी का जन्मदिन भी 5 मई को आता है, जिसके कारण खुशी दोगुनी हो जाती है।
आज नगर निंदाणा व अक्षेत्र के 108 लोगों को मुख्यमंत्री खट्टर के गांव सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में सबसे पहले नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, जिसको नगर निंदाणा गौरव सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह व चादर देकर सम्मानित किया गया। वैसे तो मुख्यमंत्री आज बनियानी गांव में थे, जिनका सम्मान रामनिवास रोहिला, सुरेश राठी, जगदीश चौधरी व रणबीर सिंह नेहरा ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया, जिससे मुख्यमंत्री ने भी सभी सम्मानित सदस्यों को अपने जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपने गांव के लिए मंगल कामनाएं की। विभिन्न क्षेत्रों से सम्मानित होने वाली महान विभूतियाँ इस प्रकार हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, दीपक भारद्वाज जज, अनिल कुमार एएसआई, डॉक्टर गुंजन नेहरा सिविल सर्जन, पवन राठी समाजसेवी व शिक्षक, कल्पना चोपड़ा मीडिया एंकर, रामराजी श्री शर्मा पत्रकार, डॉक्टर कृष्ण नेहरा सिविल सर्जन, कुलदीप चोपड़ा एनएन मीडिया, राकेश राठी एआरओ, हरिकिशन दिप्पी, सुरेंद्र हुड्डा प्रधानाचार्य, कैलाश नेहरा नायब तहसीलदार, किनारा कीर्ति नेहरा नायब तहसीलदार, संजय शर्मा समाजसेवी समाज सेवा संगठन, अंबिका सिंह एडिशनल सेशन जज, सुनील कुमार भैणी भैरो, बलजीत सिंह हुड्डा शहीद परिवार, मंजीत कोच, प्रदीप बूरा वकील, विजय नेहरा डीएसपी, सतीश दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर, रामनिवास लेक्चरार महम, कमलेश सामाजिक अध्यापिका, सुनीता ग्रोवर, राजेंद्र सरपंच, रामनिवास चेयरमैन, सुनील कुमार, कृष्ण कुमार, रोहतास सोनी हरियाणा पुलिस, संजय कुमार वार्ड मेंबर आदि 108 गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया।